बड़ी खबर बता देती है, जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी की पोल खुली है। बड़ी खबर अमरोहा से, 50 से ज्यादा युवक दिल्ली से चलकर पहुंचे हैं अमरोहा। नेपाल और गोरखपुर के निवासी हैं यात्री, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग बना अनजान। तो बड़ी ही लापरवाही यहां सामने आई है। अमरोहा में जिलों की सीमाओं पर नाकेबंदी की पोल खुलती हुई सामने आई है। 50 से ज्यादा युवक दिल्ली से चलकर अमरोहा पहुंचे हैं, नेपाल और गोरखपुर के निवासी हैं सभी यात्री, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अनजान बना रहा है। कह सकते हैं यहां पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी ही लापरवाही यहां सामने आई है। जिलों की सीमाओं को सील किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये जो 50 लोग हैं, कैसे इन्होंने सीमा को क्रॉस किया और कैसे ये लोग दिल्ली से अमरोहा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 50 से ज्यादा युवक दिल्ली से चलकर अमरोहा पहुंचे हैं। संवाददाता मोहम्मद मजीद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद मजीद, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिलों की जो सीमाएं हैं सभी को सील किया गया है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन अनजान बनता हुआ दिखाई दिया गया है। दिल्ली से 50 से ज्यादा लोग अमरोहा पहुंचे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है और वहां कोई भी निकलने वाले आदमी या व्यक्ति अभी उसे जिले की सीमा में घुसने दिया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि दिल्ली से चलकर अमरोहा पहुंच गए 50 से ज्यादा लोग, और वो अमरोहा की जो सीमा क्रॉस की, तो वहां जानकारी मिली अमरोहा स्वास्थ्य विभाग को, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, उन लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वो लोग बिना स्कैनिंग किए जनपद की सीमा में पहुंच गए। यहाँ से लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया, गाजियाबाद क्रॉस किया, उसे दिल्ली की यूपी बॉर्डर सीमा क्रॉस की। बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जिस तरह से कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, डॉक्टर लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी लापरवाही जो सामने आई है निकलकर स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस प्रशासन की, ये एक बड़ा सवाल है। जी शुक्रिया मोहम्मद मजीद अधिक जानकारी देने के लिए। तो जिलों की सीमाओं पर नाकेबंदी की पोल खुलती हुई यहाँ सामने आई है। 50 से ज्यादा युवक दिल्ली से चलकर अमरोहा पहुंचे हैं। नेपाल और गोरखपुर के ये सभी यात्री बताए।